सो वेलकम प्यार टीम टू अनदर न्यू वीडियो। सो प्यार टीम, अगर आपको अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो आज के जो हमारा फर्स्ट अपडेट है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम सीबीएसई कहते हैं, तो उन्होंने स्कूल्स के लिए क्लास 10 के जो मार्क्स टेबुलेशन थे उस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। पहले यह 15 जून तक डेडलाइन थी और अभी 30 जून तक उसको एक्सटेंड किए गए। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड अपडेट है, ये है हमारे असम के एजुकेशन मिनिस्टर अनुज पेगुजी की तरफ से। যুক্তিসংগত কথা বতৰা যাতে হয় সেইটোৰ প্ৰতি আমি চৰকাৰখনে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিম। বেচৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহক 100% নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। বেচৰকাৰী মানে বেচৰকাৰী, আমি এতিয়া বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে যিখিনি সুবিধা আগবঢ়ায় সেই সকলোবিলাক সুবিধাটো আপোনাৰ চৰকাৰী স্কুলত নাথাকে। কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰচেষ্টা চলাম, এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰচেষ্টা চলাম যাতে বেচৰকাৰী বা অন্যান্য স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিখিনি শিক্ষাৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰে বা যিটো মানদণ্ডৰ শিক্ষা লাভ কৰে, সেই মানদণ্ডৰ শিক্ষা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতো যাতে আমি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেহে আমি প্ৰচেষ্টাটো চলাম আৰু সেইটোত আমাৰ ফ'কাছটো থাকিব। আমি আমাৰ বিদ্যালয়খিনিক আমি কেনেকৈ উন্নীত কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ মূল ফ'কাছটো তাত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকিব। তো ৰানুজ পেগুজিনে ইয়ে কহা কি জিতনে ভি প্ৰাইভেট স্কুলছ হে, तो अभी गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि प्राइवेट स्कूल्स में जैसे बच्चों को एजुकेशन दिए जाते हैं, जैसे बच्चों के डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट किए जाते हैं, तो अभी से गवर्नमेंट स्कूल्स भी ये ट्राई करेंगे कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए और बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर फोकस किया जाए ताकि बच्चे अच्छे रिजल्ट करके गवर्नमेंट स्कूल से भी निकले। और लास्ट ईयर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक्ट लाई थी जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के जो फीस स्ट्रक्चर है वो रेगुलेट करेंगे गवर्नमेंट, तो उन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी कि अभी जो प्राइवेट स्कूल के जो फीस स्ट्रक्चर से उसके ऊपर वो रेगुलेशन नहीं करेंगे और प्राइवेट स्कूल अपने चॉइस से कर सकते हैं और साथ में वो अपने गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स है उसको लेके फोकस करेंगे कि इन स्कूल्स में डेवलपमेंट कैसे किए जाए। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड अपडेट है, ये है हमारे आसाम के एचएस एंड एचएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे जगह से आप लोग को बहुत सारे अपडेट्स मिल रही है कि एग्जामिनेशन को लेके, कि एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट में होंगे, 6 सब्जेक्ट में होंगे। तो एज ए टीचर मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो कहा है 25th मई के अंदर वो अपडेट देंगे क्या एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, और 25th मई तक कोविड के सिचुएशन को वेरीफाई करेंगे। अगर सिचुएशन फेवरेबल होंगे तब एग्जामिनेशन फाइनली होंगी। और हमारे सीएम जी हिमंत बिश्व शर्मा जी और साथ में हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर रानुज पेगुजी ने हर बार कहा है कि क्लास 10 और 12 के एग्जामिनेशन इजिली वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग रखिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने के चांसेस कम है। तो 25th मई तक आप लोग वेट करके देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, किसी के बातों में आप लोग मत आइए ये कहेंगे कि एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे और एक चैनल कहेगा कि ये होगा मीडिया में ये सब न्यूजेस आएंगे। तो आप ऑफिशियल न्यूज के लिए आप वेट करिए, 25th मई तक आप लोग वेट करिए, फिर ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से नोटिस आने दीजिए, उसके बाद ही आप फाइनल हो पाएंगे कि एग्जामिनेशन होगा या कैंसिल होगा। तो एज ए टीचर मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, अपना प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए, प्रिपरेशन में कोई खामती मत रखिए। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ अपडेट है, कल से और एक न्यूज वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए ऑर्डर पास की। तो ये एक्चुअली गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किए। तो 4-5 दिन पहले एक एडवोकेट ने पीआईएल, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं हम लोग, ये फाइल की थी कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए। नेक्स्ट उनके 2-3 दिन बाद और एक एडवोकेट ने और एक पीआईएल फाइल कर दी कि एग्जामिनेशन को कैंसिल ना किया जाए। तो एक तरफ से एक एडवोकेट ने पीआईएल दी थी कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किए थे, और एक एडवोकेट ने और एक पीआईएल दी कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया ना जाए। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को एक सजेशन दी थी कि सिचुएशन को देखते हुए एग्जामिनेशन के ऊपर फाइनली एक डिसीजन जल्दी लिया जाए। नेक्स्ट हमारा जो 5th अपडेट है, तो आज असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की तरफ से अपने वेबसाइट पे उन्होंने ई बुक्स को लॉन्च कर दी है। तो स्टूडेंट्स आप काइंडली जाकर उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ई बुक्स। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास अपडेट पहुंच सके। सो थैंक यू प्यार टीम फॉर ज्वाइनिंग मी।